एक जो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है। ऐसा नहीं होगी यह गणना से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यह एक आवरण मिल जाए छद्म नागरिकता का, इसकी सावधानी बरतनी है। और मैं जानता हूं कि एक पूर्व मंत्री थे जो कि शेख समाज के थे और उसके बावजूद वह कुल्हाड़िया लिख करके OBC के में चले आए थे। जो सर्वे है या सर्वे करने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार, और हम हमेशा उनके साथ थे। जब 2019 में सरवन जी लाए थे, एक तो एक जो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह पूरा जो ये सर्वे का है, इस योजना को सरवन कुमार जी लाए थे और उसमें में भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया था। दोबारा जब आया तो भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया। उस दिन भी हमारा यही इशू था। आज जब सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा, भारतीय जनता पार्टी 60 से ज़्यादा योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो गरीब और सिर्फ गरीबों के लिए हैं। सर्वे करने का राज्य सरकार का अपना फैसला है और हम पूर्ण तरह से उसका समर्थन करते हैं। गणना जी, यह जाति आधारित गणना है। जनगणना और जाति आधारित गणना में फर्क समझिए। जनगणना जो है वो 7 शेड्यूल में आप 69 पर लिखा हुआ है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है, न यह कॉन्करेंट लिस्ट में और न यह स्टेट के लिस्ट में है। इसलिए जनगणना जब शब्द प्रयोग होगा तो वह केवल और केवल केंद्र सरकार सेंसस करती है। यह जो है आप गिनती बोलिए, इसको आप गणना बोलिए, इसको आप सर्वे बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कृपया कर भविष्य में भी मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जाति आधारित गणना की बात की है, जब विपक्षी दल के हमारे माननीय नेता सर्वे की बात कर रहे हैं, तो वहीं तक इसको सीमित रहने दिया जाए। आपने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी जो है उनकी गणना को भी देखना होगा, कहीं वो तो नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसको आप अपना विरोध जता रहे हैं या ये आप लिखित देंगे, या आपकी क्या क्या आशंकाएं हैं उस बारे में भी सरकार को सूचित करें? जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो हमने अपनी जो आशंकाएं थी, क्योंकि अभी मॉडलिटीज तो बनी नहीं है, एक बन गया होता कि ये 1 2 3 4 5 6 जब आएगा तब उसमें हम कोई सुझाव दे सकते हैं कि इसे जोड़े इसे नहीं जोड़े। अभी तो कोई मॉडलिटीज नहीं बनी है। अभी तो ये हुआ है कि बिहार सरकार अपने खर्चे से गणना करेगी। हमारे दो दिक्कत थी और हमने उनको साफ कहा कि ऐसा नहीं होगी यह गणना से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यह एक आवरण मिल जाए छद्म नागरिकता का, इसकी सावधानी बरतनी है। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा समाज है जो कि मुस्लिम में अगड़ी जाति में आता है, शेख समाज में, और मैं जानता हूँ कि एक पूर्व मंत्री थे जो कि शेख समाज के थे और उसके बावजूद वह कुल्हाड़िया लिख करके OBC के में चले आए थे। तो ये चीज़ें इस गणना में नहीं हो, इसका ध्यान बिहार सरकार को हर हालत में रखना होगा। नहीं तो जो पिछड़ों का 27% हक है आरक्षण का, यह सीमांचल में कहीं ना कहीं हकमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सावधान किया कि हम पूर्णतः इस जाति आधारित गणना के समर्थन में, पर हमारे ये दो इश्यूज हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो मॉडलिटीज आ जाएंगी विधानसभा में, वो हो जाएगा कि किस किस प्रकार से होना है। तो जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायकगण हैं अपनी बात रखेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बात को कहा है कि वह सभी दलों को साथ लेकर के चलेंगे। हम विरोधी दलों की भी जो आशंकाएं हैं उनको भी लेंगे, और हमारी भी जो आशंकाएं हैं, जाहिर बात है हम लोग सरकार में हैं, तो इन आशंकाओं को निर्मूल। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।